जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर धूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताए, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदर। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है, या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना धन्या और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसमें हमारी गलतियों को हमें चाहिए, ये देखिए अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना जाए। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अभीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर, और फिर जो माला आदिक आदिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर फिर आइए। क्यों, शिव का जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा, राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है, रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है, शिव का श्रृंगार किस लिए, क्यों, कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिवजी का है उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए, कि हे भोलेनाथ जब मैं इस संसार सागर से जाऊं
अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाओ। ऐसी कृपा जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। पशु महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोड़ा खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्तन लगाओ ऐसा वाला और फिर निकलो, बोलते रहे बोले। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, अपने क्या करना। महाराज राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझता है। फिर वो कैसा भी भक्त हो, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ रहे। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देवता जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होगी, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के जमाने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहां लोग बस चमनप्रास मिल जाए आंवले का तो खा ले, पर नियम अगर माता बनाए कि आंवला नौमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नौमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी लिया और आंवले के आंवले इकट्ठे कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहाँ दर्शाई गई। प्रैक्टिकल करना, जब जिस दिन लगे कि जापान ठीक नहीं चला, आज लगे कि आज पैसा चाहिए और कहां नहीं रहा, पांच में 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 1,00,000, 5,00,000 की जरूरत है, तो कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए ऐसी कृपा, तो कुंडलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उसका अंतर कर दो, जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गाड़ी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठे उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए, उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर मार आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहां रखते हैं, भगवान की ओर, ठीक है। मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे, भगवान की ओर, डंडी का मुख किधर रखोगे, अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना, हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे, इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तुम हमेशा देखना शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना शंकर भगवान का, जितने भी जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ाते आएंगे, ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे, फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम ही चुभे, हमें तो अच्छे से लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता, पुष्प भगवान को देना चाहिए, बोलो रे भाई, भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए, बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। महाराज भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए, भगवान को अब यहां से आवाज आई थी 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए, कितने पुष्प 4, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे, पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना, पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना, पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना, ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं कहना भगवान से, भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गया
पहले एक कौन सी कंजन कहां शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के हाँ ऐसे को पूछा राम ऐसे दे रहा है। तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं माला पहना देते हैं, तो ये फूल का चक्कर तो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा ये फूल काय को दिया है? तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता है, अब समर्पण के देव मना नहीं है पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे, पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ कोई गुरु है सतगुरु है हम तो उनके लिए भी कहेंगे, अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज गुरु के चरणार, जैसे शबरी अम्बा आप ही की यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, गुआरी काटती लगाती भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती, भगवान आएंगे इंतजार करती बाट जोती आएंगे और भगवान आए, भगवान प्राप्त हुए। और जब शबरी अम्बा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए परमात्मा के सुख के लिए, आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर चार पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है और पुष्प भी नहीं तो एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो चलेगा। तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो, शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान, क्या दो अपना मन अपना हृदय भगवान को दे दो, भगवान को संपदा नहीं धन नहीं दौलत नहीं सत्ता नहीं तुम्हारा वैभव नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, जो तुम पैसा चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम वस्त्र चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम आभूषण चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं, भगवान को करें हृदय दे मुझको निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका चित्त मुझे दे और वो भी अच्छा देना, देखो हृदय भी देना तो अच्छा देना है और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है। हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में, ले आओ जरा वो फूल ले जाओ भगवान को, गेंदा का फूल चढ़ा दो माला चढ़ा दो ये चढ़ा दो, तो भगवान को भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है बताओ हम तुमने तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे, कभी भगवान से कहो जा अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे दे तो तुम तैयार करोगी क्या, अरे बोलो तो तुम्हारे पास तो पहले से अलमारी में 25-30 साड़ियां लाल कलर की रखी है, कोई पीली दे दे तो तुम तैयार नहीं करोगे, हाँ ऐसा कोई कलर हो जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुरंत फाल पीको सब लगभग लोगों के तैयारी करके तुरंत रख दिया, बोले रखोगे कि रखोगे, और मालूम पड़े किसी ने लाल साड़ी दी पीली दे दी नीली दे दी जो तुम्हारे पास में पहले से थी और अच्छी साड़ी थी तुमने बहू को दे दी, बोलो दी तुम्हारे पास नहीं रही तो तुमने बहू को दे दी, और अच्छी थी तो बेटी को दे दी, थोड़ी भी साड़ी अगर गड़बड़ थी तो भागवत जी को चढ़ा दी, ठीक है होता है। कोई ने पूछा था कि गुरुजी ये दुनिया के लोग आरती में खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं, मंदिर में लोग खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते, फटा हुआ नोट खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाएंगे, धर्म की जगह पर चढ़ाएंगे अच्छी जगह पर कहीं नहीं देंगे, पर तो हमने कहा भाई सीधी सीधी बात है जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता, निभाता यही है जिसको सब ठुकरा दें जिसको सब निकाल दे जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले, एक बार शंकर के पास पहुंच जा खोटे सिक्के तो भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बता वो शमशान की भभूत कहीं चले, अरे बोलो तो कहीं नहीं चले, अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आते ना है तो पत्नी करे बाहर बाल्टी रखिए ना लो जा, और अगर ऐसे घुस जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अकल ही देंगे, मुर्दा जला के आए हो पूरी अकल वहीं पे छोड़ी आए थे शमशान में, बाहर जाओ ना कपड़े भी छोड़ दो वहीं गीला करो, जिस गाड़ी पर आयो गाड़ी पर पहन डलवा, चप्पल भी गीली करो, मोबाइल पता नहीं बोली धीरे से मारा तुम पानी छीट दूंगी, विचार करना बुद्ध शमशान की रात कहीं नहीं चले पर एक ही को चले, किसको मारे वो उसके पास ऐसी चले कि वही भस्मी करोड़ों की हो जाती है,